पी बागेश्वर जी। अरे वाह, आपने पिया? पहले आप ये काम पूरा कर लीजिए, फिर हम साथ में पिएंगे। सॉरी सॉरी बागेश्वर जी, सॉरी सॉरी। अरे क्या सॉरी जेठालाल, उसको काम करने दो तुम। बागा, तुम काम मत छोड़ो। और इन दोनों को तो शौक लग रहा है। अय्यर, क्या हुआ? बबीता जी, अय्यर भाई के नजदीक मत जाना। उनको शौक। जल्दी से लकड़ी की लकड़ी लाइए। बागेश्वर जी। अय्यर, तुम ठीक हो? आप लोग? बागेश्वर जी, अब ठीक तो है ना? आप लोगों को शौक लगा कैसे? वो दरअसल कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन इतना समझ में आ गया कि स्विच में कोई गड़बड़ नहीं है। स्विच को जोरदार पावर मिल रहा है। अब मैं जरा एसी की पावर सर्किट चेक कर लेता हूँ। हाँ, आप चेक कर लेना, पर पहले आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। आप ना थोड़ा मैंगो मिल्क शेक पीजिए। हाँ बावड़ी, मैं देती हूँ। मैं भी आप लोग के लिए लाती हूँ। आपका ग्लास? हाँ हाँ, उनके लिए रखा है, मैं लेके आती हूँ। और आपका? हाँ, मेरे लिए भी रखा है, मैं लेके आती हूँ। थैंक यू। बावड़ी, वाह बढ़िया है मैंगो मिल्क शेक। अब क्या हो रहा है? नहीं, ठीक लग रहा है। अब मैं एसी की पावर सर्किट चेक कर लेता हूँ। बागा, पहले स्विच बोर्ड बंद कर दे भाई। हाँ, पर बागा भाई थोड़ा ध्यान से। हाँ हाँ, अभी तो जो होना था वो हो गया, तो अभी तो डबल ध्यान रखेगा ना, है ना? हाँ हाँ। इसकी पावर सर्किट उड़ गई है, तो पावर सर्किट बदलनी पड़ेगी। हाँ, मतलब सेठ जी, ये मॉडल इतना पुराना हो गया है कि अब इसकी ओरिजिनल पावर सर्किट मिलना बहुत मुश्किल है। डुप्लीकेट पावर सर्किट भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर उसकी कोई गारंटी नहीं। और अय्यर भाई, आप बार बार कितनी बार पावर सर्किट बदलने का खर्चा करोगे? तो फिर अभी क्या करें? अगर मेरी मानो तो बबीता जी, ये पुराने एसी में रिपेयरिंग का पैसा डालने से अच्छा है नया एसी ले लो। नया एसी? नो, मतलब आज पूरी रात बिना एसी के सोना पड़ेगा? हाँ, अभी और कोई चारा भी नहीं है बबीता जी। हाँ, क्योंकि क्या है, पावर सर्किट भी कल ही मिलेगी और नया एसी भी कल ही मिलेगा, तो कुल मिला के आज रात को आपको एडजस्ट ही करना पड़ेगा। वैसे ही लग रहा है। ठीक है तो मैं कल नया ऐसी भिजवा देता हूँ। अरे नहीं जरा रुको जरा। रुको क्या यार, जेठा जी इज राइट, इट्स टाइम टू बाय अ न्यू एसी। वैसे भी एसी 10 साल पुराना हो गया है। ओ 10 साल पुराना एसी है? नहीं नहीं नहीं, फिर तो आप नया एसी ले ही लो। बघा कल वो जो नया एसी आने वाला है ना वो तो यहाँ के फिट कर देना। जी। अरे एक मिनट जेठालाल, पहले देखना तो पड़ेगा ना कि कौन सा मॉडल है, क्या फीचर्स है। अरे अय्यर भाई नया एसी आया है, उसके सारे फीचर्स इतने बढ़िया है कि कोई भी एसी में ऐसे फीचर्स है ही नहीं। अरे जबरदस्त पीस है, आंख बंद करके ले लो, याद करेंगे आप मुझे। अरे जेठालाल देखो, पहले मैं और बबीता तुम्हारे शॉप पर आते हैं, पर देख तो लेते हैं कि एसी कैसा है। अरे यार भाई अभी भी आप अविश्वास के तालाब में तैर ही रहे, बहुत तो क्या, बाहर निकलो भाई। जरा विश्वास करो बढ़िया पीस है, पूरा मार्केट में ऐसा ऐसी नहीं है। अय्यर आई ट्रस्ट जेठा जी, आज तक उनके वहाँ से जो भी चीज आई है ना बेस्ट ही आई है। थैंक यू बबीता जी। कल के कल मिल तो जाएगा ना ऐसी? अरे कल मिल भी जाएगा और यहाँ फिट भी हो जाएगा, मेरी गारंटी। नहीं तुम्हारा गारंटी लास्ट मोमेंट पर हमेशा फेल हो जाता है। अरे नहीं होगा फेल भाई, मैं बोल रहा हूँ ना कल आपके घर में नया एसी फिट हो जाएगा। ठीक है बस अब कल का इंतजार है। ओम मित्राय नमः, रवाय नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः, आदिदेव नमस्तोभ्यं प्रसिद्ध मम भास्कर, दिवाकर नमस्तोभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। गुड मॉर्निंग जेठालाल। अरे गुड मॉर्निंग मेहता साहब, गुड मॉर्निंग। सुना तुमने कल कमाल कर दिया, अय्यर के एसी को कबाड़ कर दिया। अरे कबाड़ को मैं कैसे कबाड़ कर सकता हूँ मेहता साहब? क्या 10 साल पुराना एसी था। ओ लेकिन आपको किसने बताया? अय्यर भाई ने? नहीं नहीं, अंजलि ने। महिलाओं के बीच कोई भी खबर जंगल की आग से ज्यादा तेजी से फैलती है। हाँ वो तो है। लेकिन संभालना। क्या संभालना? क्या तुमने गारंटी दी है कि तुम आज एसी लगवा ही दोगे? हाँ तो उसमें संभालने का क्या? जब जब तुमने किसी चीज की गारंटी ली है तब तब तुम्हारी किस्मत ने उल्टी करवट ली है। अरे मेहता साहब क्यों सुबह सुबह नकारात्मक बात कर रहे हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे भाई मैं भी यही चाहता हूँ कि ऐसा ना हो। नहीं 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 होगा भाई, नहीं होगा। ठीक है चलो फिर मिलते हैं। ओके मेहता साहब। जी बॉस, बस बस पहुंच ही रहा हूँ आधे घंटे में। अरे बेटे बेटे बेटे, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग पोपटलाल। अरे वाह, अरे वो अरे वो पोपटलाल। अरे पोपटलाल गुड मॉर्निंग वीडियो मास्टर। गुड मॉर्निंग आदि भाई, गुड मॉर्निंग। चल कहाँ चल? मुझे जरा ऑफिस तक छोड़ देना। अरे भाई पोपटलाल मैं मार्केट जा रहा हूँ मिर्ची खरीदने के लिए, वो उस दिशा में, तुम्हारा ऑफिस उल्टी दिशा में। अरे तो जहाँ से दिशा उल्टी होती है वहां तक तो छोड़। अरे पोपटलाल वीडियो मास्टर को जाने दो, मैं तुम्हारी ऑफिस की तरफ ही जा रहा हूँ तो छोड़ दूंगा। थैंक यू आदि भाई। वेलकम। थैंक यू आदि भाई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। अरे वो जेठालाल को एसी रिपेयर कर दिया? अरे किधर आत्माराम, अभी नया एसी खरीदना पड़ेगा। का? तो एसी गेला? गेला? मतलब एक गेला मतलब गया, मतलब खराब हो गया, रिपेयर नहीं होगा? अरे नहीं ना, रात को जेठालाल ने ट्राई किया, बाद में उसने बाघा को भी बुलाया। आगा ने भी एसी रिपेयरिंग करने का ट्राई किया, लेकिन बाद में मेरे को बोला कि ये एसी रिपेयर तो हो जाएगा लेकिन इसमें बहुत खर्चा आएगा और उसका कोई गारंटी भी नहीं है कि कितने दिन वो आगे चलेगा। तो फिर जेठालाल क्या बोला? ये एसी रिपेयर करने से अच्छा है कि नया एसी खरीद लो। अच्छा अब समझा क्या? अरे अय्यर भाई जेठालाल व्यापारी है, यही व्यापारी की पहचान होती है, जहाँ मौका मिलो कि अपना माल चिपका दो। मतलब जेठालाल मेरे को उल्लू बनाकर ऐसी बेच रहे हैं? कंफर्म ऐसा नहीं बोल सकते, पर ऐसा हो भी सकता है। क्यों बेटा? मैं कुछ नहीं बोलूंगा पोपटलाल, अगर मैं कुछ बोला तो जेठालाल मुझसे बेकार में झगड़ा करेगा। सही बात है। लेकिन अय्यर ये सोचने वाली बात तो है। हाँ क्या है, तुम जरा सोचो पोपटलाल जो बोल रहा है उसके बारे में। तो भाई ओ भिड़े, तू भी वही बोल रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन तू बात को ऐसे पेश कर रहा है पोपटलाल पोपटलाल बोल के कि किसी को भी लगेगा कि अय्यर भाई को जेठालाल के खिलाफ मैंने ही भड़काया है। बाद में जब जेठालाल को पता चलेगा तो वो मुझसे झगड़ा करने आएगा। सही बात है अय्यर भाई, मैंने अभी आपको जो कुछ भी बोला ना उसे आप बोल जाइए। अरे ऐसे बोल जाओ पोपटलाल, जेठालाल को छोड़ेगा नहीं। तुमने मेरे मन में जो डाउट डाला है ना, अरे मैंने नहीं डाला है डाउट। मैं अभी जाकर जेठालाल से बात करता हूँ, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए प्लीज। नहीं लेगा जेठालाल। अरे चल भिड़े। एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ पोपटलाल, मैं अभी मिर्ची खरीदने मार्केट नहीं जाता हूँ, तुम मुझे मिर्ची यहीं दे दो। मेरे पास मिर्ची कहाँ है? अरे आयर को अभी इतनी मिर्ची लगाई ना तुमने। चलो बापूजी मैं दुकान। नमस्ते चाचा जी। हाँ नमस्ते। अरे आयर भाई सुबह सुबह आप यहाँ, क्या हो गया? वो मैं तुम्हारे पास एक डाउट क्लियर करने आया हूँ। देखा बापूजी, आप मुझे बबूचक कहते रहते हैं, लेकिन ये बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग अपना डाउट क्लियर करने के लिए मेरे पास आते हैं। क्योंकि आप अय्यर के साथ उसके लैब में काम करने लगा है? अरे नहीं नहीं बापूजी। तो फिर सुबह सुबह यहाँ क्यों आए? मुझे लगता है बापूजी उनको ऐसा लग रहा होगा कि जिंदगी का तजुर्बा उनसे ज्यादा मुझे है। इसलिए शायद आए हैं। अरे अय्यर भाई टेंशन मत लीजिए, जो भी डाउट है बोलिए, अभी क्लियर कर देता हूँ। मेरे को तुम पर डाउट है। मुझ पे? हाँ। मैंने क्या किया? मेरा मतलब मेरे को तुम्हारे इंटेंशन पर डाउट है। किस पे? देखो जेठालाल, मैं गोल गोल बात नहीं करेगा, मैं डायरेक्ट बात करेगा। तुमने हमारा एसी रिपेयर करने के बदले नया एसी लेने को बोला, इस बात को लेकर मेरे को तुम पे शक है। कैसा शक? मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम जानबूझ के हमारा पुराना एसी रिपेयर नहीं करवा के हमको नया एसी बेच रहा है। देखा ये सब करने लगा है तू? अरे मैं ऐसा क्यों करूंगा बापूजी? अपना सेल बढ़ाने के लिए। ओ अय्यर भाई, मुझे थैंक यू बोलने की जगह आप मुझ पर डाउट कर रहे। जेठालाल एज ए कस्टमर मेरे को डाउट हुआ। आपका डाउट एकदम बेबुनियाद है, पाया विहोना है। क्या? छोड़ो अय्यर भाई, आपको तो पता है ना, गोकुलधाम सोसाइटी में से कोई भी अगर मेरी दुकान से कुछ भी खरीदी करता है तो मैं भाव टू भाव बेचता हूँ, 1 रुपये का भी मुनाफा नहीं लेता हूँ। तो आप मेरी दुकान से एसी खरीदो नहीं खरीदो उसमें मुझे कोई नफा नुकसान नहीं है। फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पुराना एसी रिपेयर करके और भी चल सकता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे एसी रिपेयरिंग वालों को बुला लो, रिपेयर करवा लो, मेरी दुकान से आप नया एसी मत खरीदो। भैया जेठिया की बात बराबर है, तू रहने दे है? तुझे डाउट है ना तो तू जेठिया की दुकान से एसी मत ले। हाँ नहीं नहीं चाचा जी, ऐसा बात नहीं है। वो क्या है, मेरे को डाउट हुआ तो वो मैं क्लियर करने के लिए आ गया। अभी डाउट क्लियर हो गया? हाँ यस 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 यस, एंड आई एम सॉरी। हाँ होना ही चाहिए, आज एसी लग जाएगा ना? पक्का पक्का लग जाएगा, अभी दुकान नहीं जा रहा हूँ, जाते ही सबसे पहले आपका एसी का काम कर दूंगा बस। चले बापूजी मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आओ नीचे तक। अच्छा गुड मॉर्निंग नटू काका, गुड मॉर्निंग बाघा, गुड मॉर्निंग सेठ जी, गुड मॉर्निंग सेठ जी। ये देखिए सेठ जी, अपना नया एसी का डेमो पीस भेज दिया है। वाह वाह भाई वाह, बढ़िया पीस है। हाँ एकदम एट्रैक्टिव डिजाइन है, गर्मी में ये एसी कुल्फी की तरह बिकेंगे। अरे लेकिन खाली डेमो पीस भेजा है कि 25 पीस का हमने ऑर्डर दिया था वो भी भेजे हैं? अरे नहीं नहीं भेजे ना सेठ जी, सारा माल मैंने गोडाउन में रखवा दिया है। तो उसमें से याद है ना एक पीस बबीता जी के घर पे? याद है सेठ जी, याद है। और उसमें से एक पीस बढ़िया सा छांट के बबीता जी के लिए साइड में रखवा भी दिया है और उसका बिलिंग भी कर दिया है। कंपनी में फोन करके इंस्टॉलेशन के लिए बोल दिया है। कंपनी से 1 बजे आदमी आएगा तो उसको लेके सीधे बबीता जी के घर पे। बस खाली देखना कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कुछ भी करके आज बबीता जी के घर पे एसी लग जाना चाहिए। लग जाएगा सेठ जी, कोई गड़बड़ नहीं होगी। वाह, ये नया एसी देख के बबीता जी खुशम खुश हो जाएंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाय हाय, हेलो। अरे वाह बबीता जी, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ, क्योंकि आज हमारे घर में नया एसी लगने वाला है। अब बबीता, तुमने एसी देख समझ कर तो लिया है ना? नहीं, देखा तो नहीं है, लेकिन जेठा जी की दुकान से लिया है तो पूरा भरोसा कि अच्छा ही होगा। राइट। हाँ, ये बरोबर है। नमस्ते 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 बबीता जी, आपका एसी आ गया है। अरे वाह, इतनी जल्दी? और ये देखिए, इंस्टॉल करवाने के लिए कंपनी से आदमी भी आ गए हैं। आप लोग एसी उतारिए, तब तक मैं जल्दी से सब्जी ले लेती हूँ। ठीक है, बाय बाय। आओ भाई आओ। ओके, बाय 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 बाय, सी यू। आपका एसी इंस्टॉल हो गया। लवली। ये एसी का रिमोट है। हाँ। मैम, एसी ब्लूटूथ से कनेक्ट है। जैसे ही आप आएंगे 2 मिनट में पूरा रूम कूल हो जाएगा। लवली, ये एसी तो फुल फंक्शन से लोडेड है। हाँ हाँ, आप खुश हैं ना? बहुत। ओके बबीता जी, हम चलते हैं। ओके, नमस्ते। चलो भाई, चलो आओ आओ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जेठा जी ने बहुत अच्छा एसी दिया है। आई शुड थैंक हिम। बोलिए बोलिए बबीता जी, एसी लग गया ना? जी जेठा जी, और मैं उसी एसी की ठंडी ठंडी हवा खाते हुए आपसे बात कर रही हूँ। मॉडल पसंद आया आपको? बहुत पसंद आया जेठा जी। It's a wonderful model. आपने जैसे कहा था ना, वैसे ही है, एकदम यूनिक। थैंक यू बबीता जी। नो नो, थैंक यू। अरे नहीं नहीं बबीता जी, आप थैंक यू मत बोलिए। आप तो, और कोई काम हो तो बताइए। और कोई काम नहीं जेठा जी, पर आपने मेरा इतना बड़ा काम कर देना, उसके लिए थैंक यू सो 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 मच अगेन। अरे फिर थैंक यू बोल रहे हैं आप? ओके देन, बाय। ओके ओके। मेहता सबको खुशखबरी सुना देता हूँ। बेचारे सुबह बहुत मेरी चिंता कर रहे थे। संभालना संभालना। हाँ जेठाल। मेहता साहब, जल्दी से जल्दी मेरी दुकान पे आ जाइए। हम लोग मिलके है ना भजिया पार्टी करते हैं। अच्छा, किस खुशी में? एक बहुत जबरदस्त खुशखबरी है, आप आइए फिर बताता हूँ। पहले ये तो बताओ खुशखबरी क्या है? अरे मैंने बोला ना, आप आ तो जाइए फिर बताता हूँ। फिर यहीं से हम लोग घर चले जाएंगे। ठीक है ठीक है, आता हूँ। आइए आइए आइए। दोस्तों, मेरा परम मित्र जेठालाल बहुत खुश है। गुड़ी पाड़वा यानी कि हिंदू नववर्ष के शुभ दिन पर बबीता जी के घर पे एसी डिलीवर हो गया है। बबीता जी और अय्यर बहुत खुश है। लेकिन आप लोग ये मत सोचिएगा कि बबीता जी के घर पे नया एसी आ गया तो कहानी खत्म। मेरे परम मित्र जेठालाल का टायर पंचर होने वाला है। उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। और दोस्तों, एक विशेष बात, आज के दिन का बड़ा महत्व है। आज गुड़ी पाड़वा यानी कि हिंदू नववर्ष है और इस दिन को युगादी भी कहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आपको इस नववर्ष में ढेर सारी खुशियां प्राप्त हों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आप सभी को युगादी, हिंदू नववर्ष और गुड़ी पाड़वा की ढेर सारी शुभकामनाएं। सिंधी भाई बहनों को चेटी चंद की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब एसी की वजह से जेठालाल की जिंदगी में क्या नया पचका होता है, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.